स्टडी करेंगे। और यहाँ पे आके ऐसी हालत हो गई, ऐसा लग रहा है रेगिस्तान में। रेगिस्तान यहाँ बहुत ही प्यार से गुंबद बना हुआ है, जैसे किला हो, गुंबद हो, जो भी, मुझे नहीं पता। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ उर्दू में लिखा हुआ है, कितना सुंदर है। अभी वहाँ जाके फोटो शूट कराऊंगी अपने। तो मेहंदी लगा रही हैं और बहुत ही प्यारी मेहंदी लगा रही हैं। वाओ, नशरा ऑलराउंडर, सही कह रही हूँ। और ये है सुंदर नर्सरी, मगर यहाँ पे कोई भी टीचर नहीं है, ना ही बच्चे नर्सरी वाले। मेट्रो में लेके जाऊँगी तो ऐसे चलूँगी मोटर चला के। इसमें तो खैर आएगी नहीं है, ऐसे पानी की बोतल निकालूंगी ऐसे। फीमेल फ्रेंड भी कहीं घूमने लायक नहीं है बच्चे। शूट चल रहा है, इतनी तेज बारिश हो रही है, बहुत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेदा लाइफ फैमिली ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए सुंदर नर्सरी। एक्चुअली में वहाँ पे वो लोग शूट करने वाले हैं, तो मैंने बोला चलो मैं भी चलती हूँ। रात को उनका मैसेज आया था तो मैं सो गई थी, सुबह उठ के मैंने मैसेज देखा तो वो लोग तो निकल चुके हैं। अब मैं खुद ही ट्रेवल करके अकेले जाऊँगी, वो लोग वहीं पर मिलेंगे मुझे डायरेक्ट। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ। और ये रही हमारी अम्मी, अम्मी हमारे कपड़े धो रही हैं, घर का सारा काम अम्मी ने किया है। मैं सिर्फ उठी हूँ, उठ के तैयार हुई, कपड़े धो के आ रही हूँ, बस धो रही हूँ। पापा बैठे हैं, ये रहे पापा चलो छोड़ने के लिए मेट्रो तक, मुझे पापा छोड़ के आएंगे। चलो 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 चलो। और फोन भी आ गया, एक मिनट रहो। हेलो टेप भाई, तुम मुझे घर से मत निकालने देना, पहले तुम्हारा सारा काम करती फिर हूँ मैं। अच्छा अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है, लेके आती हूँ। बस मैं निकल ही रही हूँ, मैं तो तैयार बिल्कुल निकल गई। ठीक है ओके। तो वो लोग मंगा रही हैं टेप, सेलो टेप है, दुकान से सेलो टेप। चलो एक सेलो टेप चाहिए, इसलिए शूट कर रहे हैं ना वहाँ पे वो लोग, तो उसके लिए सेलो टेप चाहिए। आ जाओ। तो गाइज मैं जल्दी जल्दी निकलती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे वहीं पहुँच के। ठीक है जा रही हूँ, है ना ठीक है। तो पापा ने मुझे छोड़ दिया है मेट्रो स्टेशन पे और अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतना सारा सामान है मेरे पास, आज मैं इतना बड़ा वाला बैग लेके जा रही हूँ। तो पहुँच के मिलती हूँ आप लोगों से वहीं पे। तो गाइज मैंने एंट्री कर ली है और यहाँ पे मैंने टिकट लिया है, 50 रुपीज़ का यहाँ पे टिकट है अंदर एंट्री करने का। और सुंदर नर्सरी में मैं आ चुकी हूँ और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत ही प्यारा यहाँ का व्यू, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पे, सामने गुंबद है, चारों तरफ ग्रीनरी है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो अब यहाँ आके मैं अपने फ्रेंड्स को देखती हूँ, वो लोग कहाँ पर हैं, कहाँ बैठी हुई हैं। बोला कि गुंबद के पास आ जाओ, कॉल किया था मैंने अभी, अब वहीं जा रही हूँ। और देखते हैं क्या क्या होने वाला है आज, कैसे शूट करने वाली हूँ। और आज मुझे पता लगा है मेट्रो में बैठने के बाद कि आज है 4 अगस्त और अगस्त का फर्स्ट संडे है, तो आज है फ्रेंडशिप डे, तो चलो वो भी अच्छे से सेलिब्रेट हो जाएगा यहाँ पर। तो करते हैं इन्जॉय, जैसा भी होगा आप लोगों को सब दिखाते हैं, ठीक है ब्लॉग में बने रहना। दिख गई है मोहतरमा मुझे सामने, और आज मैं यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाने वाली हूँ। भाई बहुत अच्छा यहाँ का व्यू है, इतना प्यारा लग रहा है ना, मतलब सुकून है, बिल्कुल शांति है यहाँ पे, कोई शोर शराबा नहीं है, बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पे आके। तो ये खड़ी है मोहतरमा, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मुझे मेट्रो में पता लगा है कि आज फ्रेंडशिप डे भी है। मतलब इंस्टा चेक नहीं करा था? नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी आधे ज़्यादा वो न्यूज़ जो भी है वो तो इंस्टा पे मिल जाती है। हाँ वो फ्रेंड्स ने स्टोरी वगैरह लगाई ना, मैंने कहा भाई ऐसे क्यों लगा रहे, फिर पता लगा कि आज फ्रेंडशिप डे। मेट्रो में ज़्यादा पता है, इंस्टा पे भरोसा नहीं है। चलो सही है।
यहाँ पे हम अपने बैठने का इंतज़ाम कर रहे हैं, जब आएँ तो भाई थोड़े से सुकून से बैठेंगे भी। और इसी की वजह से ना मैं घर से ये बेडशीट लेके आई हूँ, इतना बड़ा बैग उठा के लेके आई हूँ कि ताकि हम आराम से बैठ सकें। ये सब लोग हैं यहाँ पे, और अब यहाँ पे मेहंदी का शूट होगा, है ना। चलो गाइस, आते सबसे पहले लगी है मुझे भूखी, मैं घर से कुछ भी खा के नहीं आई थी, तो अब मैं सबसे पहले अपना खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। आओ मोहतरमा, बस करो शुरू, करो तुम ही शुरू कर लो। कैसे लगा चार्जर का? मुझे क्या पता ही नहीं, नहीं मेरे पास तो है तो आप तो अरे कहाँ लगे काउंटर पे बोलने की ना, नहीं उनसे पूछना पड़ेगा ना वो लगा सकते या नहीं। टाइम के बाद ये झूला झूलने का मौका मिला है यहाँ पे। एक्चुअली में नशरा का फोन जो है वो स्विच ऑफ हो गया, हम फोन चार्ज करने के लिए आए थे और यहाँ मुझे झूला मिल गया है, मैं मस्ती में झूला झूल। कहाँ कराया हमने फोन चार्जिंग पर? कहाँ लगाया है? यहाँ कैंटीन में। कितनी देर से ढूंढ रहे थे गाइस। कभी भी सुंदर नर्सरी में आओ तो उधर तो बिल्कुल मत जाना कहीं पर भी, अगर बाय चांस फोन स्विच ऑफ हो जाता है। इधर यहाँ कैंटीन पे भैया बहुत अच्छी आदत के लगा दिया, मैं तो डर रही थी बहुत ज्यादा। काउंटर पे भी मना कर दिया, मतलब हर कैंटीन वाला भी मना कर रहा था, बस यहाँ पर इन भैया ने बोला कि आपने स्विच ऑफ ही क्यों होने दिया, हमारे पास आ जाते। बहुत अच्छी आदत के यार, मेरे भी बहुत गंद हो गए। हमें लग रहा था कि हम पास में फोन चार्ज पे लगा लेंगे, मगर काफी दूर आना पड़ा था, हम नंगे पैर आ गए थे और यहाँ पे आके ऐसी हालत हो गई है, ऐसा लग रहा है रेगिस्तान में। मेरी जींस की हालत देखो भाई, अपने सारे कारिस्तानी करेंगे। फिर शुरू हो गए। अबे भाई मेरे पैर लग रहे कि अब ऐसे कर रहे हैं अपने फ्रेंडशिप डे, हम अपना फ्रेंडशिप डे कुछ ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पैरों की हालत देखना जरा, थोड़ी देर बाद अम्मी से तो पिटाई लगने वाली है, नहीं ब्लॉग देखने के बाद अम्मी से ब्लॉग देखने के बाद फाइन बढ़ेगी, कपड़ा धुलने में फाइन बढ़ेगी। नहीं वैसे मैं कह देती अम्मी गिर गई, बट अम्मी ब्लॉग देखेंगी तो पता चल जाएगा। बहुत टाइम के बाद ऐसे झूला झूल रही हूँ मैं। सो गाइस, अब हम आए हैं किले के अंदर और यहाँ बहुत ही प्यारा सा गुंबद बना हुआ है, जैसे किला हो गुंबद हो जो भी मुझे नहीं पता, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये है पूरा गुंबद का नज़ारा, मैंने आपको दिखा दिया है ठीक है। और यहाँ पे मैं बहुत सारे रील्स बना रही हूँ अपनी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मतलब तो काफ़ी ना शांति है, पीसफुल है। यहाँ पे कुछ उर्दू में लिखा हुआ है, खैर मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इतनी टफ उर्दू भी मैंने नहीं पढ़ी है। और यहाँ से पूरा ये नज़ारा, बाहर का नज़ारा देखो कितना प्यारा है, ये कितना सुंदर है। अभी वहाँ जाके फोटो शूट कराऊंगी अपने। तो मेहंदी लगा रही हैं और बहुत ही प्यारी मेहंदी लगा रही हैं, वाओ सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। ये बैठी हैं ब्राइडल मेहंदी लगवाने वाली और ये हैं लगाने वाली नशरा, मेकअप आर्टिस्ट, नशरा मेहंदी आर्टिस्ट, नशरा ऑलराउंडर, सही कह रही हूँ। और साथ में इनका नाम मुझे याद नहीं है, क्या नाम है आपका? साइस्ता। ये बहुत प्यारी मेहंदी लगा रही हैं, दोनों का कॉम्पिटिशन चल रहा है, पर सेम ही लगा रही हूँ यार, है ना। भाई सुबह से शाम हो गई है इन लोगों के मेहंदी लगाते लगाते, अब जाके फाइनली इनकी मेहंदी कम्प्लीट हुई है। और ये है सुंदर नर्सरी, मगर यहाँ पे कोई भी टीचर नहीं है, ना ही बच्चे नर्सरी वाले। सुंदर तो ये है मगर नर्सरी का यहाँ से कोई भी वास्ता नहीं है। आना मत आना, मैं कह रही हूँ मत आना, जी भर गया जी भर गया, बोर हो गए हम सुबह से यहाँ पे बैठे बैठे। हमने सुबह के सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, सारे मौसम का मजा यही लिया है हमने। हाँ, और जो भी आया ना वो अपना खाना पीना पानी सब लेके आए, यहाँ कुछ नहीं मिलता, 100 रुपए की बोतल देते हैं, इसमें 2 रुपए का पानी होता है, 90 रुपए बोतल के 10 रुपए का पानी लेंगे उसमें, और वो भी अपने घर लेके जाएगी। ये कह रही है अगली बार मेट्रो में लेके जाऊंगी तो ऐसे चलूंगी मोटर चला के। देखिए ये बोतलें जो होती है ना, ये मेट्रो में दिखाने लायक वाली बोतलें, ऐसा लगेगा सर अभी अमेरिका की फ्लाइट से उतरी हूँ और बोतल लेके हाथ में, मेरी बोतल तो दे दो। ये रही, फिर ऐसे बैग से बोतल निकालूंगी, चाहे प्यास लगी हो ना लगी हो, फिर ये बैग से बोतल निकालूंगी, पकड़ दे कैसे निकालूंगी देखो। ऐसे बैग देना, मेरा दो
हमारा बैग है, इसमें तो खैर आएगी नहीं है, ऐसे पानी बोतल निकालूंगी ऐसे। तुम हमारा मुंह तो काट रही है बहन, तुम क्या ले रही हो ब्लॉग में? हमें सारा पीछे का गुम्बद देख के जाग जाग के देख रहे हैं, इन्हें दे दिया मैंने गरीबों को ब्लॉग बनाने के लिए। ऐसे चलूंगी फिर मेट्रो में, फिर मेरी फ्रेंड मिले, फिर मेरी फ्रेंड मिलेगी सामने से, उसे कहूंगी हाय, बोतल दिखाऊंगी उसे भी हाय, पानी घर से भर के लेके जाऊंगी उसमें, है ना। सारी हरकत जानती हूँ मैं लौंडियों की, तो मेरे सामने इतराने की कोई कोशिश ना करे। एकदम स्पेशल वाला फीलिंग आएगी बोतल हाथ में लेके, है ना, आ रही है ना अमीरों वाली फीलिंग। अगर बच्चे रो गए और इनकी मेहंदी यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है, बहुत बारीक काम करा ना, बहुत ही बारीक काम, इसलिए सुबह से शाम हो गई। लो बहन बैग लो, यहाँ बच्चों को लाओ और छोड़ दो, है ना। अब सोचते हैं बच्चों को पार्क वार्क में घुमाने के लिए लेके जाएंगे, बच्चे आराम से घूमेंगे, मगर औलादें इतनी निकम्मी होती हैं, हर जगह है, हर जगह चैं चैं, कहीं घूमने लायक नहीं है बच्चे। मेरा मुंह देख के हंस रही है। फैमिली के साथ पिकनिक मनाने के लिए यहाँ बहुत अच्छी जगह है, आओ खेलो, जैसे सब लोग खेल रहे हैं, और शाम के टाइम तो अब बहुत सारी फैमिलीज आ चुकी हैं यहाँ पे खेलने के लिए, और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं इनकी मेहंदी देख रहे हैं, हम खेल रहे हैं। ठीक है, एक आंटी आगे पूछनी थी कि तुम पार्क में बैठ के मेहंदी क्यों लगा रही हो, मैंने कहा इसकी शादी है, इनके यहाँ रिवाज, इनके यहाँ रिवाज है कि ये दुल्हन की मेहंदी पार्क में बैठ के लगाई जाती है। हो गई बहन, हो गई, शूट चल रहा है मेहंदी का, इतनी तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, सब लोग अंदर आ रहे हैं। अब हल्की हल्की बारिश रुकी है तो हम लोग बाहर निकले हैं और चल रहे हैं, और पीछे एक फैमिली तो पूरी तिरपाल उड़ के बैठी है, उनको शायद पहले से अंदाजा था, मौसम ही ऐसा हो रहा है ना। बाय, मेट्रो रिक्शा में ठहर लगती, मिलते हैं फिर जल्दी, सब लोग बैठ चुके हैं रिक्शे में। फाइनली फाइनली अब हम अपने घर जा रहे हैं, घर ही जा रहे हैं ना। वैसे मैंने एक रील पे देखा था बैटरी रिक्शा भी दोस्तों के पास थार लगता है, और अब देखो कितने सारे, अरे हम तो जहाँ बैठ जाए वो थार बन जाती है। इधर भी दिखाओ एक बार, हम किसी में भी बैठ जाए वो थार बन जाती है, थार में चार जने आते हैं, हम रिक्शों को भी छह जने बैठ के जा रहे हैं। बारिश पड़ गई तो सारा पानी भर गया, मुझे तो फील भी नहीं होता कि इतनी बारिश पड़ी है। अच्छा, तू क्यों नहीं घुसी? मैं भी घुस गई थी, मैं तो आ गई थी भाई अंदर, और कैसे बारिश में भीगती थी यही, आप देखो तो पापा सर स्कूटी पे आएंगे तभी इतनी ज्यादा गीली हो गई मैं। तुम्हारा फोन पता नहीं किसको इतनी परेशानी हो रही है एकदम से, भाई भीग चुका है पूरी तरीके से, और ऐसे में फोन आ रहा था, पता नहीं किसका है। मैंने नाम लिया कि बारिश पड़ी यहाँ पे, तेरे बारिश पड़ने शुरू हो गई, तो सारी भीग रही बारिश में। हाँ देखे क्या हालत हो गई, मैं कपड़े अपने चेंज कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे, हालत देखो कितनी बुरी हो गई है, आँखों में पानी आ गया, आँखें लाल हो गई हैं, कपड़े चेंज करके फिर मिलती हूँ आपसे। ठीक है, मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, अभी नहाकर आई हूँ, फ़ोन चार्जिंग पे लगा देती हूँ, और खाना पूछती हूँ अम्मी ने खाना क्या बनाया है, अम्मी खाना क्या बनाया है, और चिकन फ्राई, हाँ यार कर दो, बहुत तेज भूख लग रही है, चिकन फ्राई बनाया मजा आ जाएगा, ना कर आई हूँ, ठंड लग रही है बहुत तेज की, अब मौसम ठंडा हो गया ना इस वजह से, पहले से रोटी वोटी खा लेती हूँ। मम्मी बना रही है मेरे लिए चिकन फ्राई, और मैं खा रही हूँ आम, घर पे आते ही मुझे आम मिल गए, मैं आम खाना शुरू कर दी। मज़ा आ गया, ऐसे मौसम में पकौड़े या
ऐसी कोई चीज़ मिल जाए ना मज़ा आ जाता है। भूख लग रही है बहुत तेज़ की, कुछ भी नहीं खाया था, बिरयानी लेके गई थी बस, बिरयानी खाई थी मैंने और चिप्स कुरकुरे वगैरह ये सब चीज़ें खाई। वहाँ पे वहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं है, पानी लगता है नहीं, 100 रुपये उधर पानी की। हाँ मैं छोटी बच्ची ले रही थी, वो तो एक गुड़ की एक गिलास पानी आता उसके अंदर। जल्दी से फ्राई बना दो, भूख लग रही है। मैं इतनी सारी फैमिली आ गई वहाँ पे घूमने के लिए अपने बच्चों को लेके, बच्चों के लिए बहुत अच्छा जगह है, बच्चों को ले जाओ गार्डन में अच्छे से घूमेंगे खेलेंगे। हाँ यहाँ बनेगा मेरा चिकन फ्राई, अभी तेल गर्म हो रहा है, मैं तेरे लिए बना रही हूँ, बनाती हूँ चिकन खाना वाना। हाँ बना दो, थक के आई ना बाहर से इसलिए। मत करना ज़्यादा नहीं खाऊंगी। हाँ बस 4-5 पीस कर दो बस, ये के लिए हाथ पर जभी बना, 4-5 पीस कर दो, बिल्कुल सूखे सूखे करें तुमने। हाँ सूखे सूखे बना रही हूँ, कैसे करूँ सही काट लूँ। चलो कर लो जल्दी से दे दो। तो गाइस मैं फ़ोन चार्जिंग पर लगा रही हूँ, ठीक है। तो ये रहा मेरा गर्मा गर्म चिकन फ्राई। तो गाइस अम्मी ने मुझे चिकन फ्राई करके दे दिया है, अब मैं इसे जल्दी से खा लेती हूँ क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। और गर्म गर्म चिकन फ्राई साथ में चटनी, इसे खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। तो गाइस मैंने खाना वाना खा लिया है और अब मैं करूँगी आराम। तो आज की वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। हमारी वीडियो चले, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ, बाय बाय।